दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाहर की दीपावली तो हम सब लोग बहुत मनाते ही हैं धूमधाम से, इस बार कुछ अलग करें। इस बार हम भीतर की दीपावली मनाएं। इससे मेरा तात्पर्य क्या है, एक दिया अपने भीतर के अंधकार को उजागर करने के लिए इस बार जलाएं। कार्ल जंग ने कहा था, बहुत बड़े फिलोसोफर थे कार्ल जंग, आप सब लोगों ने पढ़े होंगे उनकी बात। उन्होंने कहा था कि अनटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस यू विल सफर फॉर योर होल लाइफ एंड कॉल इट फेट। क्या हम इस बार एक दिया अपने अंदर के उस अनकॉन्शियस, अपने भीतर के उस अनकॉन्शियस टेरेंस में जाकर जला सकते हैं, जहाँ से जो चीज़ हमें आज समझ में नहीं आती, जो अंधकार है जहाँ जहाँ, वहाँ एक दिया का प्रकाश कर सके। जैसे कोई एक घर हो, बहुत हॉन्टेड हाउस हो, और सालों से वहाँ कोई गया ना हो, तो शायद लोग डरेंगे उससे। और अगर एक छोटा सा दिया लेकर आप वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे कहाँ मकड़े का जाल है, कहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, वो सब आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही थी, और उसके बाद उन सब चीज़ों को साफ कर सकते हैं ताकि घर फिर से जगमगाए। तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार दिवाली में हम सिर्फ बाहर की दिवाली ना मनाएं, हम अपने भीतर भी एक दिया जरूर लेकर जाए, जिससे हमारे भीतर एक नई ज्योति का विकास हो। और ये मनुष्य की जो चेतना है, उसे फिलोसोफर्स ने, जो बुद्धिजीवियों ने, एक सात मंजिला इमारत के रूप में देखा है, जिसमें कॉन्शियस के नीचे उन्होंने तीन तल कहा है, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कॉस्मिक अनकॉन्शियस, और ऊपर तीन तल कहा है कि सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस। तो ये भेद ये है कि जितना हम भी नीचे जाते हैं अपने कॉन्शियस में, उतना हमारा व्यक्तित्व ऊपर सुपर कॉन्शियस की तरफ उठता है और हम एक बेहतर मनुष्य होते जाते हैं। नीचे ने कहा है, किसी पेड़ को अगर अपनी शाखाओं को ऊपर आकाश की तरफ देखना है, स्वर्ग की तरफ, तो उसे बिल्कुल नीचे पाताल की तरफ अपने रूट्स को ले जाना होगा, और वही गूढ़ रहस्य है अस्तित्व का। इसलिए हम इस बार अपने भीतर जाएं। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्ट कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस, इससे तात्पर्य क्या है, जब एक ऐसा एक स्टेज आता है जब जहाँ पे मनुष्य हर किसी दूसरे इंसान से अपने आप को एक जैसा मानने लगता है, जहाँ पे कोई वैमनस्य और ईर्ष्या और दो की भावना नहीं रह जाती कि मैं ही हूँ, जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है, ममई वांशो जीवलोके इन ऑल द बीइंग्स आई एम द सेंट्रल कॉन्शियसनेस, वही वाली बात है कि जब वैसी फीलिंग आ जाए, वैसा स्टेट जब हम रीच कर जाएं, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात होती है। और फिर इंसानों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर सिर्फ हर चीज़, जब इस एग्जिस्टेंस में हम एक समान मानने लगते हैं, जैसे ये पेड़ पौधे, ये कंकड़, ये वाटर, स्टोन, रॉक, सब कुछ, तो वहाँ पे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात आती है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब आप और ब्रह्म एक हो गए, जहाँ पे उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, वहीं पे मंसूर अली लाल जैसे लोग भी कहते हैं कि अनलक आई एम दैट। तो वो स्टेज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में इंसान रीच करता है। ये मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा अवसर है जब हम अपने आप को एक तल ऊपर उठा सकते हैं और अपने जीवन में गुणवत्ता ला सकते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इस बार हम जरूर अपने उस अनकॉन्शियस जगह पे जरूर एक उस अंधकार को हटाने के लिए, उस घर को साफ करके फिर से जगमगाने के लिए वो दिया ले जाए। नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे फियर्स, हमारी एंग्जाइटीज, हमारे स्ट्रेस किस वजह से हैं, और हम अकारण ही कभी डिप्रेस होते रहेंगे, अकारण ही कभी रोते रहेंगे, और ये कभी हमारा जीवन फुलफिलमेंट में नहीं आ पाएगा। ये एक मौका, एक अवसर हमें नहीं गंवाना चाहिए इस दिवाली में। तो इसलिए अपनी अनकॉन्शियस में जाकर वहाँ पे अपने भीतर के अंदर अंधकार को एक दिया जला कर उसे जगमगाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, तभी सही मायने में दिवाली सही मायने में हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली साबित होगी। शुभ दीपावली आप सब लोग।